गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग बीच से आ गए थे एंजॉय करके, और उसके बाद हम लोगों ने अभी नहा लिया है, उसके बाद नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। तो नाश्ता आ गया है, और नाश्ता ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। मतलब आज तक इससे अच्छा उपमा मैंने कभी नहीं खाया है। इतना टेस्टी उपमा था ना कि आपको क्या बताओ। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी यहाँ पे, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि खाने का भी मन नहीं करता था। मतलब जैसे कि पोहा, पिछले मतलब सबसे पहले व्लॉग में आपको पोहा दिखाया था मैंने, कि बिल्कुल अच्छा नहीं था पोहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे हल्दी और नमक लगाया है और बस पोहा दे दिया है, उसको गर्म भी नहीं किया है, ऐसे पोहा था। बट उपमा ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। हम लोगों ने दो दो प्लेट्स ली खाने के लिए, और उसके बाद भी मन नहीं भर रहा था हमारा। तो पहले हम लोगों ने सबके साथ खाया, ये दूसरा टाइम था कि दूसरे टाइम पे हम लोग खा रहे थे सबके साथ, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। ऊपर से ना वो डाला हुआ था, क्या बोलते, तो कोकोनट का अंदर का नहीं रहता है, जैसे कोकोनट वाटर पी लेते हैं हम लोग, और उसके अंदर का जो मलाई बोलते हैं, मलाई डाली हुई थी ऊपर से क्रश करके। बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। और वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, और फिर होटल को छोड़ दिया, और हम लोग जा रहे हैं अभी हरिहरेश्वर टेम्पल। और हाँ, वो जो फ़ोटोज़ वहाँ पर जो क्लिक किए थे हम लोगों ने फ़ोटोज़, वो अगर आपको देखने हैं तो वो आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम के साथ साथ आपको दोनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसके अलावा भी मेरे दो चैनल हैं, आप जाके वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग हरिहरेश्वर के लिए निकल चुके हैं। बीच में मैं रास्ते में जो भी कैप्चर करती थी, जानबूझ के कैप्चर करती थी। बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सारे जगह नारियल के पेड़ ही पेड़, और ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसी वजह से मैं जानबूझ के कैप्चर करती थी, ताकि मुझे जब मैं ये वीडियोज़ देखूँ बाद में, तब मुझे याद आए कि मैं यहाँ पर गई थी, और ये ऐसे ऐसे रास्ते में जो पेड़ और ये सारी चीज़ें दिखी थी। तो इसी वजह से सारी चीज़ें कैप्चर कर ली, क्योंकि पता नहीं अभी इतने दिनों के बाद तो अब आए हैं, और इसके बाद आप कब आएंगे तो ये नहीं पता। तो इसी वजह से ये सारी मेमोरीज रहनी चाहिए। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं हरिहरेश्वर टेम्पल, और हरिहरेश्वर टेम्पल के बाद हम लोग जाएंगे गणपतिपुड़े। और गणपतिपुड़े हरिहरेश्वर से 6 घंटे का रास्ता है शायद, तो 6 घंटे का रास्ता कवर करना है हमें। पहले हरिहरेश्वर टेम्पल जाना है, उसके बाद हमें कवर करना है 6 घंटे का रास्ता, और फिर पहुंचेंगे हम लोग गणपतिपुड़े पे। और जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बताया है इससे पहले कि हम लोग रात को स्टे करते थे, डेली रात को स्टे करते थे। मतलब जैसे कि हमें दूसरे दिन गणपतिपुड़े को देखना है, तो इसीलिए हम लोग रात को ही वहाँ पर पहुँच जाते थे, रात को स्टे करते थे, और दूसरे दिन नहा वहा के वो जगह देखते थे। तो ऐसा हमारा होता था। तो इसी वजह से अभी वही चल रहा है, वही जा रहा है हरिहरेश्वर टेम्पल। और हरिहरेश्वर टेम्पल का नज़ारा आपको दिखाऊंगी ना, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर पहुँच गया है हरिहरेश्वर टेम्पल हम लोग। और यहाँ पर ना टेम्पल के साथ साथ आपको वहाँ पर बीच का भी नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। जहाँ जाओगे आप, वहाँ पर आपको बीच का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। तो और यहाँ पर ऐसे ही आपको नारियल के पेड़ और जगह तो आप देख ही सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। अगर आप गोवा वगैरह जाके आए हो तो एक बार कोकण ज़रूर घूमने आना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पर देखिए, सब लोगों ने आज ना ब्लैक डे था हमारा, हम लोगों ने सारे लोगों ने ब्लैक ही पहना है, आप लोग देख सकते हो। मतलब किसी का ऊपर का ब्लैक, किसी का नीचे का ब्लैक, सब ने ब्लैक ही पहना है। सब ने तो डिसाइड करके ही रखा था कि आज ब्लैक पहनेंगे। तो ऐसे ही हमारा डे वाइज चलता था। मतलब किसी दिन हम लोग ब्लू डिसाइड करते थे, किसी दिन ब्लैक डिसाइड करते थे, किसी दिन वन पीस डिसाइड करते थे, तो किसी दिन जीन्स डिसाइड करते थे। तो ऐसे ही सब लेडीज़ हम लोग डिसाइड करके ही पहनती थी। मतलब जो भी अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, वो पहनते थे। तो आज ब्लैक डे था सबका, तो आज सभी ने ब्लैक ही पहना है। और हाँ, किसी ने मुझे भाभी के बालों के बारे में पूछा था, तो मतलब पता नहीं उनको क्या लगा था कि मैंने पिछले बार बाल काटने का वीडियो बनाया था भाभी का, तो उनको लगा होगा कि भाभी के बाल मैंने पूरे ही काट दिए क्या। तो नहीं डियर, मतलब भाभी के बाल मैंने काटे नहीं हैं, आप देख सकते हो भाभी के बाल वैसे के वैसे ही है। भाई ने बोला था मुझे आधे काट दो करके, उसको भी पूछा था मैंने, बट मेरा ही मन नहीं कर रहा था, उसके बाल इतने लंबे हैं ना, मेरा मन नहीं कर रहा था उसे बाल काटने का। तो इसी वजह से थोड़े से काटे थे, नीचे नीचे के जो जो घास घास बन गए थे वो थोड़े से काटे थे। उसके बाद मैंने उसके बालों को स्ट्रेट कर दिया था, तो अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं उसके बाल। थोड़े से कर्ली है उसके बाल, स्ट्रेट नहीं है, बट
लंबे बहुत है ना, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कर्ली तो फैशन ही है, लोग कर्ल करते हैं यार बालों को। और हाँ, आज तो पूछना ही भूल गई कि सब लोग कैसे लग रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। और बस यहाँ पर हम लोग एंजॉय करेंगे, यहाँ का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। यहाँ से बीच इतना अच्छा लगता है ना, आप देख सकते हो यहाँ का भी बीच। और यहाँ पे बीच पे नहीं गए थे हम लोग, मतलब हर जगह बीच ही बीच दिखाई देते थे ना, तो इसी वजह से जो जगह पे एंजॉय करना है हमें, जिस जगह पे मतलब सिर्फ बीच पे एंजॉय करना है, हम लोग वहाँ पर जाते थे, बाकी जगह पे बीच पे नहीं जाते थे। और बीच के लिए फिर कपड़े ख़राब होते थे, इसी वजह से फिर बीच पर अगर एंजॉय करने जाओ तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते थे। उसके बाद फिर हमें होटल रूम्स ही देखना पड़ता था, मतलब भीगते थे हम लोग तो इसीलिए हर जगह पॉसिबल नहीं होता था बीच पे जाना। बट आपको बीच दूर से दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लीन बीच है यहाँ का भी। और यहाँ का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप शांति से बैठ सकते हो, आराम से आप अपने मतलब साथ वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बट हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं बैठ पाए। फिर हम गए उधर मतलब लास्ट वाले लोकेशन पे, तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगी मैं। पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उधर जाएंगे और वहाँ पर एक ऐसे बनाया हुआ है और वहाँ से आप बीच को देख सकते हो। नहीं आपको बीच पे जाना है तो आप वहाँ से बीच का एंजॉय मतलब बीच का नज़ारा देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो वहाँ पर बीच का नज़ारा। तो यहाँ पर ये टेम्पल है, हरिहरेश्वर टेम्पल, और बहुत ज़्यादा अच्छी मूर्ति है यहाँ की, आप देख सकते हो। यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह निकालना मना किया था, बट पता नहीं भाई के पास कैमरा दे दिया था मैंने, उसने पढ़ा भी नहीं और उसने सारे वीडियोज़ वगैरह निकाल लिए। बट आपको तो भी देखने के लिए मिला, मतलब हो सकता है उसने वो पढ़ा नहीं होगा, अभी मैं पढ़ रही हूँ, वीडियो वगैरह निकालना मना है करके। बट वहाँ पर मना नहीं किया किसी ने वीडियो वगैरह निकालने के लिए, पता नहीं क्यों, लेकिन वहाँ पर लिखा था तो वो उसने पढ़ा भी नहीं। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बाहर मंदिर के दर्शन वगैरह करके, उसके बाद हम लोग जाएंगे वो लास्ट वाले लोकेशन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ का जो लोकेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ली, मतलब आम पापड़ी बोलते हैं ना, आम पापड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है यहाँ पे। और ये हमारी साइड में नहीं मिलती है, मतलब विदर्भ में नहीं मिलती है आम पापड़ी, तो यहाँ पर हर तरह की आम पापड़ी मिलेगी, मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है आम पापड़ी में। तो यहाँ पे हम लोगों ने आम पापड़ी वगैरह खरीदी, बहुत सारी आम पापड़ी खरीदी थी, मतलब पूरे ट्रैवलिंग में हमारे आम पापड़ी चलती रही, यहाँ की जो आम पापड़ी हमने खरीदी थी वो। कुछ कुछ चीज़ें ना सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो जहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं जैसे कि आम वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो आम पापड़ी बना के रखते हैं तो वही बेचते होंगे। और बस यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ से आपको बीच का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा और बहुत शांति है यार यहाँ पे। मतलब आपको एक दो दिन तो यहाँ पर रहना ही चाहिए। ऐसे हर जगह ऐसी थी कि हमें लगता था कि यार हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, हमने एक दो दिन तो मतलब यहाँ पर रहना चाहिए। ऐसे सारा मतलब सारी जो जगह है वहाँ पर हमें ऐसे ही लगता था। और बस यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत सारी जगह है, आपको बहुत सारी जगह फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, मतलब बैकग्राउंड तो बहुत सही वाला मिल जाएगा आपको यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, आपने नहीं देखा अभी तक इंस्टाग्राम मेरा तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ब्लॉग के अलावा जो भी मैंने शूट किया। और यहाँ की भेल ना, ये वाली आंटी ने बहुत ज़्यादा अच्छी भेल बनाई थी, और आंटी की भेल की जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। हमने उनका जो की इन्ग्रीडियंट है वो पूछा था उनसे, तो उन्होंने इमली की चटनी बताई थी, तो उन्होंने जो इमली की चटनी उसमें डाली है ना, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा टेस्टी भेल बनी थी। ये वाली इमली की चटनी उन्होंने ऐड की थी उसमें, और बस ज़्यादा सिंपल ही भेल बनाई थी, बट इतनी ज़्यादा टेस्टी बनाई थी ना आंटी ने भेल। और ये वाली आंटी का नेचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इतने सारे लोगों ने हमने खाया वहाँ पर, बट आंटी ने एक प्लेट भी गिनी होगी तो बता दो यार, मतलब एक भी प्लेट नहीं गिनी आंटी ने कि किसने क्या खाया, हमने ही याद रखा और हमने ही उनको पे किया था। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं यार लाइफ में, तो ये वाली आंटी का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि हमने क्या खाया क्या लिया, इतनी सिंपल और इतनी सीधी थी ना वो आंटी कि आपको क्या बताओ, मतलब उनका पैसा डुबाना तो छोड़ो, मतलब इतने जनों ने हमने खाया उससे ज़्यादा ही हम लोग उनको दे के आए थे, तो भेड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी इसी वजह से।
बस यहाँ पर खाने पीने के बाद हम लोग निकल चुके थे यहाँ से, और यहाँ पर बैठने वाले हैं हम लोग JT में। और हाँ, पिछले ब्लॉग में मुझे अभी भी हंसी आती है कि मुझे इसका नाम नहीं पता था यार, सॉरी गाइज, मुझे नहीं पता था, इसी वजह से JT बोला गया, मतलब मैंने JT बोल दिया था इसे। तो ये है JT, और इसकी जो कॉस्ट मैंने बताई थी ना आपको, तो वो कॉस्ट पर पर्सन नहीं थी, जितने भी 13-14 लोग थे हमारे, वो और गाड़ी का मिला के 630 रुपीज़ हमें पे करना पड़ा था। वो पिछले बार का था, और इस बार पता नहीं कितने लिए थे, तो वो तो मुझे नहीं पता, मतलब वो ग्रुप पे ऐड भी नहीं किया था। और यहाँ पर हम लोगों ने, मतलब यहाँ से ना हम लोग नहीं उतरे थे गाड़ी से, पिछली बार तो भी हम लोग उतरे थे गाड़ी से, और उसके बाद हम लोगों ने JT का नज़ारा देखा था, बट अभी ना बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, तो इसी वजह से बस खा पी के बैठे थे गाड़ी में आराम से, और अपने अपने काम कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं शायद फ़ोटोज़ अपलोड कर रही थी, और बस या फ़ोटो देख रही थी, मतलब कौन से अपलोड करने हैं वो। बस यहाँ पर आप देख सकते हो, सिर्फ मेरी जो भाभी है ना, छोटी वाली, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसने हर एक जगह का मज़ा लिया और हर एक जगह पे फ़ोटोज़ क्लिक किए, उसके बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ उसने कलेक्ट किए इस वाले ट्रिप में, और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कलेक्शन बना है उसके फ़ोटोज़ का, तो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ है उसके, मेमोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है उसने यहाँ की। बस वही उतरी थी, यहाँ पर उसको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने थे, वहाँ का ऊपर का नज़ारा देखना था, इसी वजह से हम लोग तो सारे लोग बैठे ही थे JT में। और बस यहाँ पर हम लोग JT से एक कोने से, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम लोगों का काफ़ी सारा टाइम सेव हो गया था इसमें JT में। और उसके बाद ना JT के ऊपर का भी आपको रात को नहीं दिखा पाई थी उस दिन, तो आप अभी देख लीजिए JT ऊपर से कैसे दिखती है, मतलब जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए दिखा रही हूँ, जिन्होंने देखा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ से मुझे कमेंट किया था कि आप लोग कोकण से मुझे देख रहे हो, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो यार, मैं जहाँ पर गई हूँ वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब उनके लिए तो ये नया नहीं होगा, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा नई बात है ये, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी चढ़ जाती है, इतने सारे लोग आ जाते हैं और इतने सारे लोग जाते हैं एक साथ, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मतलब हमने तो इससे पहले नहीं देखा था, पहली बार हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर ये वाली बीच वाली हमारी गाड़ी है, उसके बाद हम लोग तो बाहर नहीं निकले थे, तो अभी शूट किया है इन्होंने, तो इसी वजह से दिखा रही हूँ आपको भी, और हम भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉर्नर से हम लोग दूसरे कॉर्नर तक पहुँच गया है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर जाएंगे गणपतिपुरे के लिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बस इनका फ़ोटो सेशन हर जगह पे फ़ोटो सेशन ही चल रहा था इनका, हर एक अलग अलग पोज में फ़ोटोज़ क्लिक किए इन्होंने। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, ऐसे नज़ारे यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ डायरेक्ट आपसे गणपतिपुरे जाके, तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा गणपतिपुरे का। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी फॉलो कर दीजिए। दूसरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। आके भाई ने गाना गाया है, वो ज़रूर सुनना। कसम मेरा ना भूलेगा दिल।